This is me, Noor here from Mentors Academy. We are here with a new lecture number 10. It's all about present continuous tense. Basically, present continuous tense में जब end में किसी भी sentence के कर रहा है, हो रहा है, पका रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, आए, किसी भी sentence में, तो आप मतलब accordingly आप जल्दी से identify कर सकते हैं कि this is a sentence which is called present continuous tense. कोई भी काम जो कि जारी हो, continuous हो, any action which is in the continued form. कोई भी काम जैसे मैं driving कर रहा हूँ, तो this is the end word that you need to be very vigilant about it कि end में क्या है, कर रहा हूँ, कर रही है या कर रहे हैं. तो आप इससे पहचान जाएंगे कि verb अभी process में है, work की अभी continuity है, work अभी done हुआ नहीं है. So this is called present continuous tense. इसका इतना ही तारुफ अभी basic के लिए काफी है. अब चलिए हम formula की तरफ जाते हैं किस तरह से हम इसके easily sentences बना सकते हैं. तो first we need to be very careful about कि we need to memorize the formula. For the beginners I especially recommend कि you need to be memorize all the मतलब formulas. So आप मतलब 2 सेकंड का सेंटेंस 1 सेकंड में इजीली बना सकते हैं अगर आपके माइंड में फॉर्मूले की बेसिक्स नहीं है, अगर आपके फॉर्मूले का पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है. सो द फॉर्मूला फॉर मेकिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट द प्रेजेंट कंटीन्यूअस सॉरी द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट सबसे पहले एज यूजुअल इज एम आर द हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब दैट वी आर गोइंग टू यूज इज एम आर वर्ब की लास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी को पुट कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी फोर्थ फॉर्म बनके एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्जेक्ट. सो वी आर हियर मेकिंग द इजीएस्ट एग्जांपल दैट आई एम एंजॉयिंग द फूड. मैं फूड एंजॉय कर रहा हूँ अभी किया नहीं है अभी ये प्रोसेस में काम बिकॉज दिस इज सेंटेंस विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूस. काम कहाँ हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है हाल में हो रहा है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ कंटिन्यू है तो हम पहचान जाएंगे कि दिस इज द सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एंड देन द सेकंड एग्जांपल इज शी इज कुकिंग फूड शी हैज नॉट डन द बाय द कुकिंग एंड विद द कुकिंग फूड शी इज डूइंग इट शी इज डूइंग इट राइट. उन्होंने काम कंप्लीट करा नहीं है कर रही है हो रहा है फूड पक रहा है वो फूड पका रही है. सो मी लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल लाइक आई एम कुकिंग माय फूड मैं अपना खाना बना रही हूँ. सो दीज आर द टू इजीएस्ट एग्जांपल दैट व्हिच गोना हेल्प यू टू मेक द सेंटेंस एंड देन द नेगेटिव वन. अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो सबसे आसान जो मुझे लगता है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंसेज में बनाना है तो सिर्फ उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लगा देना है आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के आ जाएगा. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दैट वी डोंट नीड टू यूज एनी साइंस इन इट वी जस्ट नीड टू पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब राइट. सो अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना पड़ेगा नॉट जस्ट एंड देन हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन के आ जाएगा लाइक आई एम नॉट एंजॉयिंग फूड मैं खाना एंजॉय नहीं कर रही हूँ. अपने ही स्टेटमेंट से जब हम इनकार कर देते हैं तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है जिसको टेंस की फॉर्म में जो हम अभी कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड देन द सेकंड वन इज शी इज नॉट कुकिंग फूड वो खाना नहीं बना रही है राइट. हम अपनी स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं डिनाय कर रहे हैं वी आर गोइंग टू डिनाय आवर स्टेटमेंट. सो दैट इज द रीजन वी आर पुटिंग नॉट आफ्टर जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. ओके क्लास नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू कम्प्लीट द होल स्ट्रक्चर कैन नॉट. जब तक आप अपने इस स्ट्रक्चर को कम्प्लीट नहीं कर सकते जब भी आप अपने सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को यूज नहीं करेंगे when we do continuous sentence present continuous past continuous and other sentences like this so we have to make the affirmative the negative and lastly but not leastly the interrogative sentence. So here we're going to make the interrogative sentence now. Basically interrogative sentence called sawaliya jumla sawal puche hote hain hum confirmation ke liye bhi hota hai ye formula mein hum wahi apne helping verb pehle
वर्ब को यूज करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ बिकॉज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना. सो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. इट्स ये इस तरह से भी बनती है, ये टेक्निक होती है कि पहली जो वर्ब की फॉर्म है उसके बाद आई एन जी लगा देंगे उसकी फॉर्म के अंदर, तो आपकी फोर्थ फॉर्म बन के आ जाएगी जो कि कंटिन्यूटी का फैक्टर होता है. एंड देन द ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. एंड नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज एम आई एंजॉयिंग फूड, क्या मैं फूड एंजॉय कर रहा हूँ कर रही हूँ. बेसिकली आई के साथ हमेशा से, दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट कि आई के साथ हमेशा से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एम ही यूज होगा. सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पर एम यूज कर रहे हैं. आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, दिस इज अ वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी. एंड देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज शी कुकिंग, जब भी शी ही शी की बात हो रही होती है तो वो एक सिंगुलर नाउन है और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, पास की बात नहीं हो रही, दैट इज द रीजन हमने वॉज नहीं लगाया, इज लगाया है राइट. सो शी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है, बट नाउ दिस इज इंटरोगेटिव, सो इज शी कुकिंग, क्या वो खाना बना रही है. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस विच इजीली मेड बिकॉज देयर आर ओनली थ्री टर्मिनोलॉजीज एस एम आर दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. एंड देन द इंटरोगेटिव वंस के लिए हम नॉट लगा देते हैं, और फॉर द इंटरोगेटिव we need to make the main helping verb first on the place of subject. Okay, so students, now today we have learned a lot of strategies, a lot of tenses, and all the tenses are regarding the present continuous tenses, how to make the present one, how to make the negative one, and how to make the interrogative one. If you face any difficulty in these kind of sentences or in today's topic, you can easily without any hesitation, you can comment below and just tell me which kind of sentence make you and create you difficulty for you. So we need to be here and we need to answer it anytime and anyways in you on YouTube in our channels. Okay, now we are coming inshallah very soon in the next video, which is a very quick and easy like present. So hamara ho gaya, now we have to move on the perfect continuous tense. So thank you for watching and please like and subscribe to our channel Mentor Academy.